ओके सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाने वाले हैं। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो ना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। वीडियो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बिटमर एनसेगेपेट को इम्पोर्ट कर लेना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल भी आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो। अब गाइस, वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको मतलब क्या करना है, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। बट आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बिकॉज यहाँ पे ऐसे ऐसे ढेर सारी वीडियोस आती रहती है और इंशाल्लाह जरूर आएगी। ओके सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको शुरू में आना है एंड प्लस पे क्लिक करना है एंड मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो जो भी फोल्डर में आपका फोटो है ना, यहाँ पे देख सकते हो अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है फोल्डर को एंड यहाँ पे फोटो एड करना है। ऊपर से डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, फिर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फोटो को एड करना है, फिर डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, फिर इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है एंड प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फिर फोटो एड करना है, ऊपर से डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम कर लेना है। सो गाइस, इसी प्रकार से ना आपको यहाँ पे सभी फोटोज़ को ऐड कर लेना है। तो गाइस, लास्ट तक मैं सभी फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, आगे आपको क्या करना है। तो आप भी पहले यहाँ पर अपनी सभी फ़ोटोज़ को ऐड कर लो। ओके तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने जो है लास्ट तक सभी फ़ोटो को ऐड कर लिया है। अब जैसे आप फोटो को ऐड कर लेते हैं, यहाँ से बैक आना है, सेगेपेट पोजिट को ओपन करना है। यहाँ पे आपको टोटल 3 इफेक्ट दिख जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको पहले वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से बैक आ जाना है, बिटमार पोजिट को ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग फोटोज में इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो आपको फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करना है, फिर आपको नेक्स्ट फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे इफेक्ट को पेस्ट कर देना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके तो यहाँ पे ना इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो ये छोटा छोटा जितना भी फोटो है ना, सभी फोटोज़ में आपको इफेक्ट को पेस्ट करना है। टोटल यहाँ 4 सेकंड तक ना सभी फोटोज़ में इफेक्ट को पेस्ट कर देना। ओके तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, 4 सेकंड तक मैं सभी फोटो में इफेक्ट को पेस्ट कर देता हूँ। ये जो फोटो है ना, ये वाला, इसमें भी आपको पेस्ट करना है। और यहाँ पे जैसे 5 सेकंड पे एक बड़ा वाला फोटो आता है, यहाँ पे आपको जो है ना छोड़ देना है। ओके यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिर यहाँ पे 2 फोटो को स्किप करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे 10 सेकंड से जो छोटा वाला फोटो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फिर से आपको इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो ये 1 नंबर का इफेक्ट, इसी प्रकार से इसमें आपको पेस्ट कर देना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद फिर जो लास्ट में एक फोटो बड़ा वाला, इसको छोड़ देना है, फिर यहाँ से बैक आना है, सेकेंड फेट प्रोजेक्ट को ओपन करना है, जो कि 2nd नंबर का इफेक्ट है, जस्ट इसको कॉपी कर लेना है। ओके कॉपी करने के बाद फिर बैक आना है, यहाँ से बिटमार पोजिट को ओपन करना है और यहाँ पे आगे जाना है। और ये वाला फिर फोटो जो है ना, ये वाला जो फोटो है 6 सेकंड पे बड़ा वाला, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके इस वाले इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना, इस वाले फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको एड इफेक्ट पर क्लिक करना है, ऊपर सर्च करना TI और यहाँ पे आ जाएगा टाइल, इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और इस वाले आइकन पे मतलब ये जो टाइल्स है ना, इस पर टैप करना है और इसको नीचे आना है और यहाँ पे जो है ना मिरर वाला ऑप्शन, बस इसको इनेबल कर देना है, इससे ये जो इसमें ब्लैक ब्लैक आ रहा था वो शो नहीं होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इतना आपको कर लेना है, फिर बैक आना है यहाँ से, फिर प्रोजेक्ट को ओपन करना है और लास्ट इफेक्ट इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर बैक आना है, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है और यहाँ पे आपको आगे जाना है और ये जो फोटो हमने इफेक्ट को पेस्ट किया है, ये बड़ा वाला फोटो, इसके आगे जो एक फोटो है ना 8 सेकंड पे, इसमें हम इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे, फिर सबसे लास्ट वाले फोटो में इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे। ओके फिर यहाँ से बैक आएंगे और सेकंड इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और नीचे आपको एक ग्रुप दिख रहा होगा, इस ग्रुप पर क्लिक करना है। ओके फिर यहाँ पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है, फिर बैक आना है, यहाँ से बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है और शुरू में ही यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देना है। तो इस ग्रुप में जो ना लाइट इफेक्ट है, जो कि काफ़ी अमेजिंग लगेगा आपकी वीडियो देखने में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बट उसके लिए अगर लाइट मतलब अच्छे से दिखाना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको इस ग्रुप पे क्लिक करना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक करके यहाँ पे लाइटिंग पे क्लिक करके स्क्रीन कर देना है। ओके इस प्रकार से, तो ये जो है ना आपका इमेज थोड़ा क्लियर दिखेगा और लाइट फिर भी अच्छा से दिखेगा। फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है, सेकंड फेट प्रोजेक्ट को ओपन करना है और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर का जो यहाँ पे 4 लेयर, इन 4 लेयर को सिलेक्ट करना है,
और यहाँ पे क्लिक करके कॉपी फोर लेयर कर लेना है, फिर बैक आना है, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है और इस वाले आइकन पे क्लिक करके पेस्ट फोर लेयर कर देना है। ओके, पेस्ट फोर लेयर हो गया है। ओके, अब यहाँ पे आपको स्लाइड करके लास्ट में चले आना है और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर के चार लेयर को फिर से सिलेक्ट करना है, चार लेयर था ना यहाँ पे, हाँ, तो चारों लेयर को सिलेक्ट करना है और इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसका लेंथ है लास्ट तक लेके आ जाना है। ओके, जैसे कि आप लोग दे सकते हैं इस प्रकार से, अब यहाँ पे हो गया है इस प्रकार से। अब इतना करने के बाद आपकी वीडियो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करना है और अपने वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।